नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बीके। मैं हूं आपके साथ नवीन विश्वकर्मा। वक्त है खबर फटाफट का, खबरों की शुरुआत करेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। मीठे रसगुल्ला के संगे चटपटा समोसा भी खाओ, पांडे जी मिष्ठान भंडार पे एक बार तो आओ। जो एक बार खाए बाको बार बार मन ललचाए, बुंदेलखंड के पांडे जी को रसगुल्ला सबके मन को भाए। पांडे मिष्ठान भंडार, बरुआ सागर बस स्टैंड। ब्रेक के बाद स्वागत है और पहली खबर है झांसी से। झांसी में सपा और भाजपा के एमएलसी प्रत्याशियों ने कलेक्ट्रेट में पहुंचकर किया नामांकन, किया जीत का दावा। झांसी में सपा के प्रत्याशी श्याम सुंदर परीक्षा, तो वहीं भाजपा से प्रत्याशी रमा निरंजन ने समर्थकों के साथ पहुंचकर किया नामांकन। झांसी ललितपुर जालौन निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर ने किया झांसी के बुंदेलखंड महाविद्यालय कॉलेज का निरीक्षण। बीकेडी में होगी स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन की रिसीविंग एवं काउंटिंग, तैयारी में जुटा प्रशासन, पुलिस बल रहेगा मौजूद। झांसी जनपद में हुए विश्व गौरैया दिवस के अंतर्गत विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम। वनाधिकारी ने जनपद वासियों को गौरैया को बचाने का किया आह्वान। नगरवासी अपने घर में जरूर रखें चिड़ियों के लिए पानी। झांसी के टोड़ी फतेहपुर क्षेत्र के ग्राम रेवन में महिलाओं के बीच छिड़ा जमकर युद्ध, चले लाठी डंडे। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। महिला उलाहना देने गई थी पड़ोसियों के घर, तभी कर दी गई पिटाई। टहरौली थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने का मामला आया सामने। किशोरी बीते रोज आ रही थी अपने ताऊ के घर से, तभी सरे राह पकड़ कर दबंग ने की थी अश्लील हरकत। गंभीर धाराओं में मामला हुआ दर्ज, पुलिस ने की कार्रवाई शुरू। झांसी के पार्षद की देखी खुलेआम गुंडागर्दी, विद्युत विभाग के अधिकारी को कार्यालय जाकर ढूंढा, मचाया विद्युत विभाग में तांडव, दी गंदी गंदी गालियां, वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। और भवानीपुर का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हुआ खुद बीमार, चिकित्सक नहीं करते समय पर ड्यूटी, अपने प्राइवेट क्लिनिक को देते हैं प्राथमिकता, वसूलते हैं मरीजों से मोटी रकम। जांच कराने आए मरीजों को छोटी परेशानियों के लिए भी किया जाता है झांसी रेफर। 10,000 का इनामी दो राज्यों का खूंखार फरारी बदमाश को दतिया कोतवाली पुलिस ने झांसी से किया गिरफ्तार। आरोपी होली का त्यौहार मनाने आया था अपने घर। आरोपी संजय परिहार है झांसी का चर्चित बदमाश। लूट, डकैती, मारपीट और हत्या जैसे कई मामले हैं दर्ज। महोबा के कमरे में अज्ञात कारणों के चलते स्टेट बैंक शाखा में लगी आग, मची अफरा तफरी। बैंक में रखे दस्तावेज, कंप्यूटर आदि सामान आया आग की चपेट में। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। उत्तर प्रदेश के बरेली में विधानसभा चुनाव में भाजपा को वोट देना, मुस्लिम समुदाय की महिला को पड़ा भारी। पति सपा समर्थक ने दे डाली तलाक की धमकी, निकाला घर से, बोला अब मांगो योगी जी से मदद। महिला पुलिस से न्याय को लगा रही गुहार। और एटा में सपा के एमएलसी प्रत्याशी का पर्चा लूटकर युवक हुआ फरार, पुलिस के सामने ही लूट लिया पर्चा। भाजपा के लोगों पर पर्चा छीनने का लगा आरोप, नामांकन स्थल पर हुआ बवाल। घटना के बाद सपा और भाजपा समर्थकों में हुई जमकर मारपीट। जाजमऊ चौकी का एक हिसाब किताब लिखा हुआ कथित पर्चा हुआ वायरल। चौकी इंचार्ज सुखराम रावत के नाम से है पर्चा। पर्चे पर लिखी है चौकी इंचार्ज की वसूली की कहानी, अवैध कार और माफियाओं से वसूली की बनी है पर्चे पर लिस्ट। तो खबर फटाफट में आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। देखते रहिए न्यूज बीके। नमस्कार।